तो देखो प्यारे बच्चों, इस ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है। मेन कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का है कि ऑब्जेक्ट मूव एट कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ विद सेंटर एट ओरिजिन। मतलब ये सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट चलता है, ये सर्कुलर पाथ है, दिस इज द सर्कुलर पाथ। तो इस सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट चलता है, ये सेंटर है 0,0। व्हेन ऑब्जेक्ट एट +2, मतलब +2 क्या होता है भाई, ये कोऑर्डिनेट है 2,0, दिस डिस्टेंस इज एक्स, दैट इज +2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू +2 है, तो उसकी जो वेलोसिटी है -4j है। -4j का क्या मतलब है, जब पार्टिकल यहाँ पर है, दिस पोजीशन ए, दिस पोजीशन इज ओ, तो जब पार्टिकल ए पोजीशन पे है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वर्टिकली डाउनवार्ड है और उसकी वैल्यू -4j कैप है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल एंटी क्लॉक, ऐसे क्लॉक वाइज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ऐसा तभी जाके यहाँ पर, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो मैं बड़े आराम से टेंजेंट बना सकता हूँ और वो टेंजेंट ही उस पॉइंट पर वेलोसिटी देगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए, दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू +2 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में दिया हुआ, तो +2 मीटर पे। अब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड एक्सलेशन एट एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू -2 यहाँ आ जाएगा, दिस इज द -2, इट्स पॉइंट कोऑर्डिनेट, दिस कोऑर्डिनेट इज -2,0, दिस पॉइंट इज बी। तो अब यहाँ पर है, बी पॉइंट पर है, तो बी पॉइंट पे जो स्पीड है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो इधर आएगा और कांस्टेंट स्पीड रहेगा, तो 2 तो उतना ही होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल चुकी होगी। तो बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी आ जाएगी वो +2j कैप आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट बी, दैट इज एट ए डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, -2 पॉइंट पे, तो यह आ जाएगा +2, स्पीड जो है +2। तो इसमें से तुम देखोगे कितना था यार, यहाँ पर कितना था, +4 था ना, गड़बड़ हो गया, देखो +4 था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्यारे बच्चों, तो ये +4 था ना, तो ये +4 था, तो ये आ जाएगा, स्पीड कांस्टेंट है तो +4j कैप। ठीक है, क्योंकि यहाँ -4j कैप था तो यहाँ +4j कैप। +4j के मतलब ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, या तो ये सही है या तो ये सही है। अब बात करते हैं एक्सलेशन का, तो एक्सलेशन किधर होगा, जब पार्टिकल यहाँ रहेगा ए पॉइंट पर रहेगा, तो हमेशा देखो एक्सलेशन तो हमेशा सेंटर की तरफ, हमेशा इधर सेंटर की तरफ लगेगा यहाँ पे, और जब यहाँ रहेगा तो एक्सलेशन ऐसे पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब यहाँ स्पीड निगेटिव है तो एक्सलेशन भी निगेटिव है, -1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जब बी पर है तो +a एक्सलेशन। मतलब अब एक्सलेशन 50-50 वाले में से जो एक्सलेशन है, दोनों प्लस दिया है मेरे भाई, वो भी खतरनाक लोग हैं ना, तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो एक्सलेशन की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो एक्सलेशन की जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी, एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन बी पॉइंट पे स्पीड का स्क्वायर ओवर रेडियस आर। स्पीड का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, और रेडियस मतलब 2, तो ये आ जाएगा, 2 कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 8। ठीक है, 8i कैप, अगर ए यहाँ से तुम देखोगे तो 8i कैप, +8i कैप यहाँ और यहाँ, तो ये, हाँ ये तो जे दिया है ना, तो ये सही नहीं हो सकता, जे में कभी एक्सलेशन नहीं जा सकता, दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।